नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन कुमार, फाइव लोटस इंडो जर्मन नेचर क्योर सेंटर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे कौन से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हैं जो IBS को क्योर करने में हमको हेल्प करेगी। तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में अगर डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कोल्ड एनिमा, आइस वाटर एनिमा देते हैं, जिससे कि एलिमिनेशन करने में हेल्प मिलता है। कोल्ड मड पैक, कोल्ड हिप बाथ, ऑल दिस थिंग्स हेल्प टू रिलीव इन डायरिया। फिर कुछ डाइट आते हैं, वैसे कौन से डाइट हैं जो डायरिया को हेल्प करते हैं रिलीफ करने में। तो जैसे हम वाइल्ड वेजिटेबल, वाइल्ड एप्पल, जिंक सप्लीमेंट्स और जिंक मेडिसिन, जैसे कि जिंक से रिलेटेड जो फूड हो गया, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, वाटरमेलन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ऑल दिस सीड इट हेल्प्स टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। इसके साथ साथ राइस, बनाना, प्रोबायोटिक्स, कर्ड एंड बटर मिल्क ऑल्सो विल हेल्प टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट। अगर IBS के प्रॉब्लम में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें हम कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जैसे कि कोल्ड सीट बाथ। अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो सीट बाथ का हम यूज कर सकते हैं। मड पैक ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिलीव इन इनर्वेशन। कुछ डाइट होते हैं जैसे कि फाइबर रिच डाइट, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फाइबर रिच डाइट, होल ग्रेन्स हो गया। ये फाइबर जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हमको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे योगा थेरेपी के बारे में, ऐसे कौन से थेरेपी हैं जिससे कि हमको डायरिया में हेल्प मिल सकता है। पंच प्राणा का फ्लो अपने बॉडी में होता है, जिससे कि बॉडी को बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे कि प्राणा, अपाना, समाना, उदाना एंड ब्याना। इसमें से जो एक प्राणा है जिसको कि हम समाना कहते हैं, समाना जो होता है अपने डाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए वर्क करता है। तो जब हम योगा एक्सरसाइज करते हैं तो समाना का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। समाना जो प्राणा है वो अपने बॉडी के डाइजेशन को, इंटेस्टाइन के डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे ही अपने बॉडी का स्ट्रेसिंग होता है, एब्डोमेन का स्ट्रेसिंग होता है, ब्रेन का कुछ फंक्शन स्टार्ट होता है, जिससे कि सेरोटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सेरोटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट होने से हमको थोड़ा खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि उस सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। तो मतलब योगा करने से, मेडिटेशन करने से सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और पहले मैंने जिसे डिस्कस किया है कि जैसे ही सेरोटोनिन की मात्रा जब बैलेंस होने लगती है तो डायरिया का प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। फर्स्ट होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। रेनी सीजन में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण फूड जो है कंटामिनेटेड होने लगता है, जिसके कारण के बैक्टीरिया फैलने का चांस बढ़ जाता है, जिससे कि गट प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इंसेक्ट एक्टिविटी, इस सीजन में जो है इंसेक्ट का एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका ग्रो होना बढ़ जाता है, जिसके कारण कि जो अपने साथ वो पैथोजेंस लाते हैं, जिसके कारण फूड में या वाटर में जो है उसका जो कंटामिनेटेड है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण गट का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हो गया हैंड हाइजीन। जब भी हम फूड सर्व करते हैं या फूड हैंडलिंग करते हैं या बिफोर ईटिंग के उसके पहले हम हैंड हाइजीन का यूज़ करते हैं। हैंड वॉश करने के बाद ही हमें फूड को कंज्यूम करना चाहिए। जो किचन के सोर्सेस है, यूटेंसिल्स है, वो सब क्लीन रहना चाहिए। किचन का जो सरफेस है वो क्लीन रहना चाहिए। सेकेंड हो गया हाउ टू स्टोर फूड। फूड को हमें अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया या इंसेक्ट उसमें ना जाए। और जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर में पेरिसेबल आइटम यूज़ करते हैं उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करना चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।